नमस्कार, दिल्ली के दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज हमारा काफिला पहुंचा है रजौरी गार्डन। यूं तो ये इलाका पौश इलाके में आता है दिल्ली के, लेकिन यहां जब आप पहुंचेंगे तो एमसीडी चुनावों को लेकर कई सारे मुद्दे हैं जिनका जिक्र जनता करती है। 4 तारीख को वोट डाले जाएंगे, 7 को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि दिल्ली में रजौरी गार्डन में जनता के मन में क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए ताकि आप यहां की समस्याओं को समझ सकें, उसके बाद नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे और शुरुआत करेंगे तीखे सवालों से दिल्ली के दंगल में। सलाखों के पीछे मंत्री के मसाज वाले मुद्दे पर दिल्ली की चुनावी सियासत उबल रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में फिजियोथेरेपिस्ट से इलाज नहीं बल्कि नाबालिग से बलात्कार के आरोपी से मालिश कराई जा रही थी। चुनावी सीजन के सियासी दावपेच के बीच दिल्ली वालों के मूड की पड़ताल में आज तक का काफिला राजौरी गार्डन इलाके में पहुंचा है। राजौरी गार्डन असेंबली इलाके में ही 4 वार्ड राजौरी गार्डन, टैगोर गार्डन, विष्णु गार्डन और ख्याला हैं। इन इलाके के लोगों का कहना है कि पार्किंग, सीलिंग, सफाई जैसे मुद्दों को लेकर लोग परेशान हैं। आबादी की बात की जाए तो राजौरी गार्डन में 75% सिख और 20% वैश्य, मुस्लिम और क्रिश्चियन वोटर हैं, जबकि टैगोर गार्डन में करीब 16% सिख के अलावा 18-20% अनुसूचित जाति SC वोटर हैं। साथ ही 35% आबादी पूर्वांचली और मुस्लिम समेत अन्य पंजाबी वोटर्स की है। इसी तरह विष्णु गार्डन के वार्ड में 48% सिख, 10% मुस्लिम, बाकी पूर्वांचली और अन्य पंजाबी वोटर हैं। और ख्याला में 19% अनुसूचित जाति, 10% सिख, बाकी गुजराती, राजस्थानी और पूर्वांचली मतदाता हैं। इन इलाकों की बड़ी समस्याओं में विष्णु गार्डन में अवैध फैक्ट्रियां तो टैगोर गार्डन में सीवर की बड़ी समस्या है। सर, करप्शन तो है ही, खैर बाकी कोई काम तो केजरीवाल सरकार भी नहीं कर रही, सब लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके इलाके कोई मेंटेनेंस नहीं है, बस सब अपने नेता अपनी खाना पूर्ति कर रहे हैं। हालांकि इस इलाके में नगर निगम चुनावों पर आम आदमी पार्टी को अब तक मौका नहीं मिला है, क्योंकि 2017 के चुनाव में राजौरी गार्डन सीट पर बीजेपी, विष्णु गार्डन पर भी बीजेपी, जबकि टैगोर गार्डन सीट पर कांग्रेस और ख्याला सीट पर भी कांग्रेस ने कब्जा किया था। गंदगी, पार्किंग, अवैध फैक्ट्रियां और आवारा पशुओं जैसी समस्या वाले इन वार्ड्स में जनता किसे देगी सेवा करने का मौका, ये फैसला 4 दिसंबर को होने वाला है। शुभांकर मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, इस यहाँ के माहौल को आपने समझा, आप नेताओं से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाए मनजिंदर सिंह सिरसा जी के लिए, पूर्व MLA हैं और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ हैं, उनके लिए भी तालियां हो जाए। और क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऑफिशियल गेस्ट नहीं है, लिहाजा हमारे साथ एक समर्थक है परविंदर सेठी जी, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन सर, शुरुआत में आपसे करूंगा आज, क्योंकि क्रिकेट का मैच भी चल रहा है जब हम यहां पर हैं, और ऐसा लग रहा है कि लोकल मैच के लिए सारे नेशनल खिलाड़ी आप लोगों ने उतार दिए। हमने राजनाथ जी को देखा, हमने नड्डा जी को देखा, तो बीजेपी के पास MCD की टीम जो है वो कमजोर है, काम कम है, या फिर नेशनल कार्यकर्ताओं को उतारने का लॉजिक क्या है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, शायद एंटी इनकंबेंसी की वजह से सबको उतार दिया, सारे सितारे जमीन पर। देखिए, हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी उसी तरह चुनाव लड़ती है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो छोटी से छोटी इकाई का हो। पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, पार्टी अपनी विचारधारा को कायम रखने के लिए चुनाव लड़ती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने को पहली बार, हम हर चुनाव, इससे छोटा भी चुनाव अगर होगा तो भी इतनी शिद्दत से लड़ेंगे, हर चुनाव हर पार्टी को इतनी शिद्दत से लड़ना। जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमसे कहा गया कि इस पार्क में जुआ खेला जाता है, हमसे कहा गया कि यहाँ आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा हैं जो परेशान करते हैं, पानी की समस्या है। आपका और आम आदमी पार्टी का रिश्ता सास बहू वाला है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आप कहते हैं ये नहीं दिया, वो कहते हैं वो नहीं दिया, जनता पिस रही है। सर नहीं, देखिए, अब ये DDA का पार्क है, ये कुत्तों का जो मसला है या पानी का जो मसला है उसे कॉरपोरेशन का तो कुछ लेना नहीं है। पीने का पानी अब कॉरपोरेशन के पास तो नहीं है, पीने का पानी तो दिल्ली जल बोर्ड देता है, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी खुद हैं। पूरा कूड़े पे ही हो गया इस बार चुनाव, तो कूड़ा ही है आम आदमी पार्टी भैया, कूड़े पे ही चुनाव कहते हैं कि पूरा दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दिया। हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली गंदी है यार, इस आदमी ने दिल्ली को इतना गंदा करके रख दिया, गंदी राजनीति के चलते मोहम्मद गद्दाफी को जैसे लोगों ने दुड़ाया था ना, राज सत्ता की इतनी भूख और पैसे की इतनी भूख। आप जिधर मुझे ले जाना चाह रहे उधर मैं आऊंगा, लेकिन राधिका जी यहाँ तो सितारे जमीन पर आ गए,
कांग्रेस को लेकर लोग कहते हैं कि सितारे आ ही नहीं रहे हैं, एक भारत जोड़ो यात्रा से गुजरात पहुंचे, दिल्ली तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कहां गई दिल्ली, जबकि प्रचार में आप लोग लिख रहे हैं कि पुरानी वाली दिल्ली चाहिए, शीला दीक्षित वाली दिल्ली चाहिए। बिल्कुल, सबको चाहिए, क्या कूड़े के पहाड़ चाहिए? और कूड़े के पहाड़ पे इनसे सवाल पूछेंगे तो कहेंगे हम क्या करें, इन्होंने ही कहा है कि हम कूड़े के पहाड़ साफ कर देंगे। फिर आपकी ही इंग्लिश चैनल की रिपोर्ट है कि 140 150 साल लगेंगे फिर भी साफ नहीं होगा। इन्होंने कहा हम कूड़े के पहाड़ों पे सफाई करें, अभी तो ये कह रहे कि कूड़ा का पहाड़ ये देगा वो देगा, इन्हीं के बड़े बड़े मंत्री, इन्हीं की पार्टी का स्टैंड है कि वो कूड़े का पहाड़ हम खत्म कर देंगे। जब पूछेंगे कैसे खत्म करेंगे, और रिपोर्ट में ये भी आया कि अगस्त तक पिछले 18 महीने में 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं हुआ, बड़की बढ़ गया। तो पहले तो ये अपने आप में तय कर ले कि उनको वो कूड़े का स्टैंड हटाना है कि नहीं हटाना है। आज सर आपके लिए तो काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मैं बैठ ही जाता हूं आज, क्योंकि आपके विधायकों को दौड़ा दौड़ा के भगाया, कल किसी ने देखा बीजेपी कह रही थी कि बड़ा मारा पीटा शायद टिकट को लेकर। देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, वो गरीब आदमी की, किसान की, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की पार्टी है। जो जो भारतीय जनता पार्टी है वो जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, ठीक है, मुसलमान नहीं, ये सब तो सुना सर, राजनीति तो खूब सुना सर, लेकिन आप ये बताइए आपने रोजगार कितने दिए, आप ये बताइए आपने रोजगार कितने दिए। सवाल पूछ दिए सर, हम भारत पाकिस्तान से भी पीछे हैं कल पिटाई रोजगार के अंदर। देखिए ये तो पिटाई हुई थी सर, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर गुंडे हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर चांटा मार दिया। अब एक एक पार्टी इतनी ताकतवर हो जाती है, और ताकत के नशे के अंदर एक व्यक्ति जो काम करने वाला व्यक्ति है, जो आम आदमी के बारे में सोचने वाला, हमने जो शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सवाल पूछ लेती सर। आज उस दिन मसाज वाली तस्वीर आई थी, और आज खबर आई है जिसको आप लोगों ने फिजियोथेरेपिस्ट बताया, वो पॉक्सो एक्ट के अंदर जेल में बंद था। अब सवाल ये कि सर आप नहीं नहीं आपकी आपकी बात से सवाल पूछ रहा हूं मैं, वो पॉलिटिकल पार्टी जो बदलाव को लेकर आई थी, जो आंदोलन को लेकर आई थी, आज जब चर्चा आती है तो पता लगता है मंत्री जेल में है, रेपिस्ट बैठ के पैर दबा रहा है, विधायक को कूटा जा रहा है, तो फिर सर आपकी परसेप्शन को लेकर क्या फिर होगा? जेल के अंदर कौन होता है जी, कौन होता है जेल के अंदर? कौन होता है? कौन? अपराधी होता है। और आपको आप मेरी बात सर आपको मैं एक बार बताता, मैं अरे सर मैं कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने मसाज करी है वहाँ जेल के जो PRO हैं, आप मुद्दे की बात सुनिए ना, सिसोदिया जी कह रहे थे फिजियोथेरेपिस्ट है, आप मेरे को बोलने नहीं देंगे तो ये बेकार है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये सर की मसाज कौन करता है, और पैर के तलवे कौन करता है? तो कह रहे हैं आप लोग गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपना जो मर्जी आप जिंदगी में कर ले, सारी ऐश कर रहे हैं वहाँ पर जबरदस्त। ये बीमारियां इनको जेल में क्यों लगती हैं, बाहर क्यों नहीं लगती, पहले ये एक रात में थोड़ी हो गई है। दोनों आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी कि आप लोग मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करते हैं, एक दूसरे की टोपी इधर पहनाने की राजनीति करते हैं, आपको जनता क्यों चुने? वहाद ईमानदार पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी के एक नए अकाम तक लेके गई है राजनीति को, दूसरी तरफ वो लोग जो कॉरपोरेशन की टिकट बेचते हैं, MLA बेचते हैं, MP की टिकट बेचते हैं और बेचते ही नहीं है, अगर कोई सड़कों पे MLA पिट रहे हैं टिकट बेचने के आरोप में, तो वो आम आदमी पार्टी के गुलाब से लेके और त्रिपाठी तक के जैसे लोग हैं। तीन काम बताएं, MLA नहीं बनता, अगर हमने काम नहीं किए तो 17 साल से हमारी कॉर्पोरेशन गिना दीजिए सर, किया तो बेचारों का ना MLA ना कॉर्पोरेटर, गिना दीजिए सर। हालात ऐसे हैं इन बेचारों के पास, हालात ऐसे हैं, राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन जनता टीवी पर देख रही है, अगर आप बता देंगे मैं तो जनता जवाब, अरे मैं तो फिर 10 बार बताता हूँ, अब दोबारा बनिए ना, ये देखिए कितने अच्छे वाले हमारी बात कर रहे हैं, बताइए MCT के मुद्दे इनके पास ये कि 370 हटाई बीजेपी उसकी तख्ती लगा लीजिए, सूर्य देश में चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव है चाहे विधानसभा का चुनाव है। अब सिरसा जी देखिए, ट्विटर का जमाना चल रहा है, आजकल सारे आरोप प्रत्यारोप ट्विटर पे चलते हैं, आप लोगों ने भी जो एक्सपोज किए ट्विटर पे किए, एक कांग्रेस पार्टी का मैं ट्वीट देख रहा हूं जहां वो लिखते हैं कि आप लोगों ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना लागू कर 10 रुपए में खाला उपलब्ध कराने की बात कही थी 2017 में जब वोट मांगा था, वो पूरा नहीं किया सर आपने। वो ये भी लिखते हैं कि आप लोगों ने 12 लाख नौकरी की बात की थी लेकिन 10,000 केवल दी, तो 2017 में आपने क्या कहा था और क्या कर दिया, हम चाहते हैं एक बार आप बता दे, ये ताली बजा दे, ताकि जनता जो देख रही है आपको दिल्ली की वो भी समझ जाए कि बीजेपी को दोबारा क्यों चुना जाए। देखो आज देश की अकेली कॉरपोरेशन है जो सारी 100% ऑनलाइन है, फ्रॉम बर्थ सर्टिफिकेट टू सेंक्शन प्लान, जो भी है टोटली कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया, ये देश की अकेली ऐसी कॉरपोरेशन, अगर कोई दूसरी कॉरपोरेशन उसका मुझे नाम बता दो। सेकेंडली, देश की अकेली कॉरपोरेशन है जो कूड़े से बिजली बनाने का काम करती है,
अगर कोई दूसरी कॉरपोरेशन उसका नाम मुझे बता दो। देश की अकेली कॉरपोरेशन है जो कूड़े से खाद बनाने का काम करती है, और खाली एक जगह नहीं, दिल्ली के अनेकों जगह पे ऐसे पंप लगाकर डंप लगाकर कूड़े से खाद बनाने का काम करती है। ये दिल्ली में अगर कोई दूसरी कॉरपोरेशन है तो हमें बताओ। आप समझिए, ये 2 करोड़ लोगों को संभालने के लिए कॉरपोरेशन है। देखने में बहुत सरल लगता है। आपने तो आरोपों को उपलब्धि बना दिया सर। आरोप ही नहीं तो उपलब्धि कहाँ? अरे आप सुनिए, अगर उपलब्धियां ना होती तो ये हमारे लोग बड़े समझदार हैं। 17 साल से हमें क्यों मौका दे रहे हैं? इसलिए मौका दे रहे हैं, इनको पता है इससे पहले कांग्रेस को बथेरे मौके दिए। 17 साल से इन्हें मौका क्यों मिल रहा है? सर मौका तो अब खत्म हो गया, जो मौका मिलना था। अब मैं आप बताता हूँ, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन है एमसीडी, इनको बताओ फिर एमसीडी में करप्शन क्यों है? यहाँ जनता फैटी है, इनको पूछो। अगर ये कमरा बनाते हैं, एमसीडी वाले सारे आ जाते हैं समेत काउंसलर, पैसे दीजिए। ये करप्शन को खत्म करना है। एमसीडी के अंदर अगर आप मकान बनाते हो, आप दुकान लगाते हो, आप कुछ भी करते हो, सबसे पूछो प्रश्न, ये पैसे देते कि नहीं देते? बिल्डिंग बनाने पे पैसे देते कि नहीं देते? करप्शन नक्शा पास कराने के पैसे देते कि नहीं देते? शुभाकर जी, आपका प्रोग्राम मैं पिछले 3 महीने से डिबेट शो देख रहा हूँ। मुझे ये बताइए कि अब कूड़े के ऊपर 15-20 मिनट बोल दिया, करप्शन पे बोल दिया, 3 महीने से हम इनसे आंसर ये मांग रहे हैं कि ये जो स्कैम्स हुए आपके, उसका जवाब तो दीजिए। ये क्यों अपना स्कूल और हॉस्पिटल्स उसको हाईलाइट कर देते हैं और वो नहीं मांग? ठीक है राधिका जी, आप कांग्रेस को मौका क्यों दिया जाए? बीजेपी और आम आदमी पार्टी कह रहे हैं हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, नीतियां है, ये तीनों बात कह रहे हैं। वो आपको लेकर सवाल खड़े करते हैं कि आपके यहाँ तो इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है कि आप जनता के बीच में दूर रह जा रहे थोड़ा। पहली बात, अगर इन्होंने काम किया तो इनको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, पूरे देश से हजारों की तादाद में वर्कर नहीं बुलाने पड़ते, और पूरे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ लाकर। देखिए, अगर ये बीच में बोलेंगे, इस तरीके की डिबेट नहीं है, मैं इनके बीच में नहीं बोली। बार बार इतने बड़े बड़े नेताओं को लाना पड़ रहा है। यहाँ पे जनता ने बात करी शुभांकर जी कि यहाँ पे मूलभूत समस्या क्या है, हम वापस मुद्दे पे आएंगे। उन्होंने कहा पानी नहीं आता, कूड़ा है, सफाई की समस्या है। इन्होंने एक उपलब्धि, एक चीज नहीं बताई कि हमने ये करा के दिया। आपने सवाल पूछा, हमने कूड़ा से खाद बना दी, कूड़ा से ये कर दिया। भारत दर्शन पार्क से मुझे बताइए किसके घर में कूड़ा नहीं हो रहा? भारत जो समस्या है, कूड़ा है, गंदगी है, पानी नहीं है, नालियों में पानी है। मेरे साथ चलिए जे ब्लॉक, के ब्लॉक, हर ब्लॉक में चलिए, रजौरी गार्डन के घर के बाहर जो गटर है उनका पानी घर के अंदर आता है। चलिए कैमरा लेकर, किसके अब गटर के पास, आम आदमी पास जाओ, कूड़े के लिए किसके पास जाओ? क्या एमसीडी की सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि भारत दर्शन पार्क बनाया जाए? आम जनता ने सवाल किया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपने मेरे से एक सवाल पूछा, शुभांकर जी क्या इसमें मेरा कसूर है कि अगर कांग्रेस के 3 MLA जीतेंगे यूपी में और तीनों यहाँ काम करेंगे, उनको कोई पहचानेगा नहीं, और हमारे योगी जी जीतकर मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें मेरा कसूर है क्या? दिल्ली यूपी के लोगों ने काम किया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ने अलग अलग समय संभाला है, काम किसने बढ़िया किया है? काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया, क्या बढ़िया किया था? सारा काम बीजेपी का अच्छा है। किसने बढ़िया काम किया मैम? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अलग अलग सरकार रही है, आप वालों ने भी किया खूब काम, ऐसी बात नहीं है। तो एमसीडी में क्या लग रहा, कौन आना चाहिए? अब क्या कहें, सारे हैं तो एक जैसे ही हैं। सारे एक जैसे भाई साहब, सारे एक जैसे, कौन आना चाहिए? बीजेपी। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? काम अच्छा किया उसने भाई साहब, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं बीजेपी। बीजेपी सपोर्टर तो नहीं है? नहीं भैया, फैन वैन तो नहीं मोदी? नहीं 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 है। ठीक है, और आते थे कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है, कुछ समस्याएं आप लोगों ने कही थी शुरू में। सर ये ना अभी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की, आप ये बताइए समस्या सारी इन्होंने बोल दी, यहाँ पे लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा आते हैं, अभी लड़ झगड़ के चले जाएंगे, इनके तो अपने ही मुद्दे खत्म नहीं होते, दुनिया के क्या मुद्दे खत्म करेंगे? अब ये बताइए इनका अपने मुद्दा, अभी तक एक मुद्दा जो लोगों का मुद्दा है उस पर इन्होंने एक बार बात नहीं किया है कि लोगों का क्या मुद्दा है। देखिए हम तो घूम घूम में कूड़ा कूड़े फैला रहे हैं। देखो हमें क्या लेना है सत्येंद्र जैन, वहाँ क्या करा, हमें अपने काम से मतलब है, हमें क्या चाहिए? पब्लिक जो यहाँ पे क्या चाहिए आपको एमसीडी चुनावों में, क्या मांग है जनता? देखो अभी ये तो सबको दिखता है कि गंदगी दिख रही है, सब दिख रहा है, लेकिन ये काम हर 5 साल के बाद जब भी इलेक्शन होते हैं ये वापस आते हैं, लेकिन हर इलेक्शन में यही मुद्दे होते हैं, नया मुद्दा इनके पास क्यों नहीं होता? अब सिरसा जी एक सवाल मन में आता है कि आप लोग तो एक्सपीरियंस भी हो गया लंबा चौड़ा, आप तीनों से पूछूंगा मैं, जनता कह रही है कि हर 5 साल बाद आप लोग आते हैं और वही मुद्दे लेकर आते हैं, तो इसका मतलब या तो समाधान नहीं किया आपने, या आप लोगों ने जनता को बना रखा है कि वो बनते जा रहे हैं? हाँ ये बहुत बात आप अच्छी कही, 70 साल से वही मुद्दे लेके लोग आते थे, कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, बनाकर दिखाया, 317 हटाएंगे, हटाकर दिखाई। अरे भैया हम तो एमसीडी में भी करना चाहते हैं, एमसीडी में भी राम मंदिर 370 पकड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं और आगे चलते हैं, यही तो अंतर है। लोग पूछा करते थे तरीक बताओ, तरीक ही नहीं, हमने कह रहे हैं कि देखिए हमने राम मंदिर बना दिया, एमसीडी में वोट मिल जाएगा। शुभांकर जी यहाँ पे उन्होंने कहा मेरी ये समस्या है, बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ, हर 5 साल में हम लेकर आते, कमी रहती है और ये कमी नहीं होनी चाहिए। हम अगर जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, हमने जो वादे किए वो हमारी जिम्मेदारी होती है, हम पूरे करें, और जब हम
पूरे नहीं करते, ये हमें वहां से हटाते हैं, और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन इन्होंने सवाल उठाए, इधर खड़े भाइयों ने सवाल उठाए, वहां पे बैठ के भी कूड़ा पानी जो समस्या है ना इन्होंने ना इन्होंने, आप इनसे बार बार सवाल पूछेंगे तो यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, क्यों दोबारा नहीं जीते? दूसरी बात, काम किया, मैं तो कह रही हूँ हमने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने हमें सजा दी, हम नहीं आए, ठीक है ना सर? ये इनके समर्थक है, मैं समझ सकती हूँ ना, मैं जनता से झगड़ा करने आई हूँ, मैं सिंपल बात पूछती हूँ, जो मूलभूत समस्या है उन पे क्यों नहीं बात करते? 370 पे बात करनी है तो करिए। एक भी कश्मीरी पंडित आज तक वापस नहीं जा पाया, वहाँ पे पलायन भटक जाएंगे मैम। हम एमसीडी चुनाव में 370 अगर हम बात करेंगे तो जनता मुझे गाली देगी सर, नहीं 370 जैसे मुद्दों का। देखिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ खड़ी एक बिटिया ने बात पूरी नहीं करना चाहता, ये बड़ी समस्या। अच्छा सवाल पूछो, मैं अच्छा सवाल डिबेट नहीं करूँगा। अच्छा सवाल, आप मुझे बोलने नहीं देते, आप मुझे बोलने नहीं देते। मैं ये कह रहा हूँ, स्वाद एक आम आदमी पार्टी है, सिर्फ मुद्दों की बात करती है, वो बाकी बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। तो आम आदमी पार्टी ने तीन ऐसे कौन से काम किए? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 8 साल में 3 काम ऐसे कौन से किए हैं जो आप बताएंगे, गिनाएंगे, जिस पर सवाल नहीं होगा और जनता ताली बजाएगी? पहला देखो, मेरे को देखो, बिजली फ्री करी, पानी फ्री करा, शिक्षा के ऊपर काम करा, स्वास्थ्य के ऊपर काम करा, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। कितने स्कूल बनाए हैं? 20,000 क्लासरूम बनाए हैं। कितने 20,000? आप 20,000 क्लासरूम में पैसे लग, एक बात बताइए, आप हजारों स्कूल बंद पड़े हैं, डंप पड़े हैं, गुजरात के अंदर टेंटों में बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको पता है गुजरात के अंदर क्या हालात है? आप एक बात बताइए, जो स्कूल की बिल्डिंग बनी है पहले उसको ठीक करेंगे या नए बनाएंगे? आम आदमी पार्टी की उपलब्धियां क्या सर? वो तो कई सारे गिना चुके हैं, स्कूल गिनाया, पानी गिनाया, देखिए मधुशाला, पाठशाला की जगह मधुशाला, शराब के पैसे इकट्ठे करने, इससे बड़ी उपलब्धि आप क्या बताओगे मुझे? यार अगलों ने अपना मंत्री जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन मंत्री जेल में, मॉडल दिखाने के लिए, ताकि मॉडल दिख सके, इससे बड़ी क्या बात है? एमसीडी में फिर मैं बार बार आ रहा हूँ, एमसीडी में आप लोग आपकी बुराई ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, एक और बहुत बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, देखिए मैं इनको बधाई देता हूँ, मेरे आम आदमी पार्टी के, इनको बधाई देता हूँ भैया, एक एक करोड़ में टिकट बेचने की मत है, कोई आदमी एक एक करोड़ रुपए में टिकट बेचे? यार आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया भाई, आम आदमी पार्टी ने एक एक करोड़ की टिकट जी। एक तो सबसे पहली बात मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मैं दो बहुत जरूरी अहम मुद्दे उठाऊंगी, कोई मेरे बीच में ना बोले, दो बहुत अहम मुद्दे जो हर जनमानस को दिल्ली में परेशान करे। जब कोरोना काल आया, हम सब ने अपने परिवार में कोई ना कोई खोया, दिल्ली की सरकार ने हमें ऑक्सीजन के लिए तरसा दिया, सड़क पे लोग मर रहे थे, दिल्ली में अमित शाह जी, मोदी जी स्वयं रहते और अमित शाह जी ने अपने हाथों में चीजें ली, फिर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं पहुंचे, दवाइयां नहीं पहुंची और मौतें हुई, दोनों ने मिलकर दिल्ली की जनता की मौतें करी। दूसरी बात, यहां आम जनता खड़ी है, पूछिए कितने रुपए का सिलेंडर मिलता है, क्या हमारे को इसीलिए वोट दी गई थी? मैं बोलती हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, कितने रुपए का सिलेंडर है? क्या आम जनता की जेब में दर्द नहीं होता? किस दाम पे कांग्रेस सिलेंडर छोड़ के गई थी और आज क्या है? पूछेंगे तो ये भी इनके हाथ में नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि देखिए, वो कह रहे हैं दवाई हमने बांटी थी भाई, घुमा के पूछिए क्या सिलेंडर के दाम? इनसे पूछ लीजिए, मेरी बहन से, इनको कोविड का इंजेक्शन लगा कि नहीं लगा, ये वैक्सीन किसने लगाई थी? मुझे आता है। अच्छा ठीक है, एक से हम आखिरी सेगमेंट में आ चुके हैं, कोई सवाल जो पूछ जाते हो सर? 70 साल में इतनी महंगाई नहीं बढ़ी जितनी 7 साल में बढ़ गई मोदी जी? कोई सवाल सर? सर क्या सर, महंगाई इतनी होगी सर, क्या कर सकते हैं सर? बेरोजगारी मैडम, कोई सवाल? बेरोजगार हैं बच्चे, बेरोजगार हैं, बेरोजगार। कोई सवाल भाई साहब? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई सवाल नहीं? हम तो चाहते मच्छर कम हो जाए, कुत्ते कम हो जाए, मच्छर कम हो जाए, बहुत मच्छर है सर। कोई सवाल सर? कोई समस्या नहीं आपको? नहीं, समस्या तो है। क्या समस्या है? नहीं बोलना नहीं है, कहना चाहते, ठीक है, कोई समस्या भाई साहब? महंगाई बहुत हो गई है। सिरसा जी, आप तीनों सवाल है, यहाँ की जनता कह रही है कि मच्छर की समस्या बहुत है, कुत्तों की समस्या बहुत है, पानी की समस्या है, गंदगी की समस्या है, आप लोग को अगर मौका मिले तो कैसे सुधारेंगे? सर ये जो काम जैसे पहले करके दिखाया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सारी चीजों के अंदर, उसी प्रकार आज बीजेपी के मुद्दे 370, राम मंदिर और इस तरह के मुद्दे हैं, जो एमसीडी का मुद्दा, टारगेट की बात करिए, सफाई की बात करिए, कूड़े की बात करिए, जो लोगों के स्वास्थ्य की बात करिए, डेंगू से बचाने की बात करिए, मलेरिया से बचाने की बात। आगे चला सर, मच्छर, कुत्ता, गंदगी,
कांग्रेस पार्टी को मौका मिले कैसे सुधारेंगे, क्या लास्ट मैसेज देंगे जनता को कि आपके पक्ष में जनता जाए? देखिए, हम हमेशा से दिल्ली की जनता के लिए काम करता है, इसलिए शीला दीक्षित जी को बार बार चुना गया। कुछ गलतियां हुई जो वादे हम पूरे नहीं कर पाए, जिस वजह से जनता ने हमें दोबारा नहीं चुना। लेकिन उनको तो आप ही ने बनाया था। मैंने बताया, हमने कोई नहीं बनाया था, इनकी बीटी में वो दिखता है। लेकिन मैं फिर बोलूंगी, इन दोनों ने दिल्ली की जनता से सांसें छीकी कोरोना के समय पे। हम तरस गए थे और आम जनता बाहर निकल के आई, एक दूसरे को सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। और ये सच्चाई है, ये जनता नहीं होती तो हम लोग नहीं बचते। इन जनता लोगों ने जाके घर घर, और आप भी जाते हैं सोशल मीडिया, वो कह रहे हैं कि आप लोग मौत पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने लोगों से सांसें खींच ली वो क्या कर रहे हैं? अब देखिए, वो तो कह रहे हैं हमने वैक्सीन बना दी दुनिया को, वैक्सीन बनी है। आप बताइए, डीपीटी हो, इतनी अन्य बीमारियों ऐसी बड़ी हो गई है, टेटनस डीपीटी ऐसी बड़े हो गए, ऐसी वैक्सीन बन गई, ऐसी यहाँ तक पहुंच गए। तो सिंपल बात है, मुद्दों पे बात करिए। मैंने कहा सिलेंडर इतना महंगा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। कूड़े की समस्या है, पानी की, और मैं नहीं कह रही, यहाँ की जनता आपको बता रही है। सिरसा जी, 17 साल से आप लोग एमसीडी में हैं, इस बार परसीमन के बाद चीजें बदली हुई है, कई सारे बदलाव आपने भी किए हैं, मुसलमानों को भी इस बार मौका दिया आप लोगों ने, कई सारे बदलाव देखे हमने। जनता आप पर भरोसा क्यों जताए, क्योंकि आप पर दोनों आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी, कि आप लोग मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति करते हैं, एक दूसरे की टोपी इधर पहनाने की राजनीति करते हैं, आपको जनता क्यों चुने? वहाद ईमानदार पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी के एक नए अकाम तक लेके गई है राजनीति को, दूसरी तरफ वो लोग जो कॉरपोरेशन की टिकट बेचते हैं, एमएलए बेचते हैं, एमपी की टिकट बेचते हैं, और बेचते नहीं है। अगर कोई सड़कों पे एमएलए पिट रहे हैं टिकट बेचने के आरोप में, तो वो आम आदमी पार्टी के गुलाब से लेके और त्रिपाठी तक के जैसे लोग हैं। कांग्रेस को जवाब क्यों नहीं देते? ये क्या दें बेचारे, इनके इनको तो राहुल गांधी बेचारा, राहुल नहीं जवाब दे पा रहा, क्या करें बताइए। 3 MLA यूपी में हैं, 550 में से 3 MLA हैं, बेचारे इतना गुस्से में रहते हैं, क्या करें बेचारों को। यहाँ पे एमसीडी लेकर है, मैं इनसे सवाल जीवन में नहीं पूछूंगी, नेशनल टेलीविजन जीवन में सवाल नहीं पूछूंगी। काम बताए तो यहाँ पे एमसीडी लेकर है, रजौरी गार्डन में, जहाँ से आप विधायक रह चुके, बताइए। ऐसे है, इन बेचारों का कसूर नहीं है, जवाब देना चाहिए सर। इनके बेचारों के 3 MLA में सब कुछ बताए, तीन काम बताए, MLA नहीं बनता। अगर हमने काम नहीं किए तो 17 साल से हमारी कॉर्पोरेशन गिना दीजिए सर, किया तो बेचारों का ना MLA ना कॉर्पोरेटर, गिना दीजिए सर। हालात ऐसे हैं, इन बेचारों के पास हालात ऐसे हैं, राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन जनता टीवी पर देख रही है, अगर आप बता देंगे मैं तो जनता जवाब। अरे मैं तो फिर 10 बार बताता हूँ, अब दोबारा बनी है ना, ये देखिए कितने अच्छे वाले हमारी बात कर रहे हैं, बताइए 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 बताइए। एमसीडी के मुद्दे इनके पास ये है कि 370 हटाई, बीजेपी हटाई, उसकी तख्ती लगा लीजिए सूर्य, देश में चाहे कॉर्पोरेशन का चुनाव है, चाहे विधानसभा का चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप के दौर में हमारी कोशिश थी बुनियादी सवालों को समझने की, कौन सही कौन गलत, किसने जवाब दिया किसने नहीं दिया, जनता सर्वोपरि है, जनता तय कर ले। हमारी कोशिश थी सवालों को पूछा जाए, कुछ बुनियादी बातों को उठाया जाए। रजौरी गार्डन में फिलहाल हम मौजूद थे दिल्ली के दंगल में, और तीनों नेताओं को आपने सुना, कितना सही कौन कितना गलत वो आप तय कर लीजिए। देखते रहिए आज तक दिल्ली का दंगल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।